Good morning everyone. So today we'll do some more practice of oversubscription from the book. Oversubscription. Fine. Now, like the examples which I told you yesterday, that were like sometimes the language is clear and sometimes we have to look at things how to solve oversubscription. So let us begin. Open your books. Because the most common doubt of the children is, ma'am, like when we see the sums of the book, we are not able to understand them. So let's see. Okay, we will be solving from the book. Take out question number 18, page 8.113. Question number 18. Varun Limited is showed rupees 10 lakh shares of rupees 100 each. नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए, नंबर ऑफ शेयर्स खुद बता निकाल लेंगे. रुपीज 10 लाख के शेयर्स हैं, वन शेयर इज ऑफ 100, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 10,000. यहाँ पे 120 से नहीं डिवाइड करना, वो वेंडर एसेट टू वेंडर वाले क्वेश्चन से जिसमें 120 से डिवाइड करना. ओके, मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन 10, ऑन अलॉटमेंट 40 एंड प्रीमियम, सो दैट वुड बी 40 प्लस 10. ऑन फर्स्ट कॉल 50 एंड प्रीमियम, यानी 50 प्लस 10 60. नाउ व्हाट दे हैव रिटन इज ओवर पेमेंट, आई मीन क्योंकि अगर लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वॉज टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, और उसके बाद अगर ओवर पेमेंट बचती है, ओवर अलॉटमेंट विल बी रिटर्न्ड. इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, अंडरलाइन, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स. ना ओवर सब्सक्रिप्शन है, एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट. तुम देखेंगे कि इट इज पार्शियल रिजेक्शन एंड पार्शियल प्रोडक्ट. सो लेट्स मेक द चार्ट. शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू. यू हैव टू लर्न दिस कॉलम्स बाय हार्ट. एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट. कहते अगर फिर भी बच जाता है वो रिफंड कर दो, बैंक ऑब्लिक रिफंड. ठीक है, ओके जी. शेयर्स अप्लाइड, अच्छा हमने कितने शेयर्स ऑफर किए थे 10,000, इसको तो शेयर्स अलॉटेड में ही लिखना. इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स. इस लाइन को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, वॉट डू दे मीन, कि इशू 13,000 शेयर से ज़्यादा है, यानी कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है 23,000. आई रिपीट, इशू ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स, इट मीन्स पब्लिक अप्लाइड फॉर 23,000 शेयर्स. ठीक है, एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स. ठीक है जी, ऐसे लिखे जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, दे हैव बीन अलॉटेड ओनली 1,000. एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट. 2,000 को तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया. नाउ सम आर लेफ्ट 9,000, वालों को कितने मिल गए 9,000. सो वी हैव थ्री कैटेगरीज. दिस कैटेगरी इज प्रोराटा, प्रोराटा मीन्स सम शेयर्स हैव बीन अलॉटेड. दिस कैटेगरी इज कंप्लीट रिजेक्शन एंड दिस कैटेगरी इज फुल अलॉटमेंट कैटेगरी. तो सबसे पहले तो ये बनाना ज़रूरी है. दो दो बार लेक्चर को सुनना प्लीज़, औखा है और इम्पॉर्टेंट है. ओके फाइन, नाउ लेट अस कंप्लीट द चार्ट. माई फर्स्ट कॉलम वॉज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. Navleen applied in my company for 12,000 shares with an application money of 10. It means how much has Navleen paid? 1,20,000. मैंने कहा Navleen तुम्हें 1,000 shares ही मिलेंगे. It means Navleen के 1,000 shares पे 10 के हिसाब से कितने बनते हैं? 10,000.
नवलीन ने मुझे कितने पैसे फालतू दिए? 1,10,000 है ना। शी अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स बट हैज बीन अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स। अमौलिक, इसका मतलब क्या है? नवलीन ने 12,000 × 10 120,000 पे किया, पर मैंने नवलीन को 1,000 शेयर्स दिए। उसके एप्लीकेशन मनी कितनी बनती थी? एप्लीकेशन मनी ड्यू 10,000। नवलीन हैज पेड मी एन एडवांस ऑफ 1,10,000। ठीक है, कहते जो फालतू पैसे उसमें अगली स्टेज एडजस्ट कर दो। मैंने बताया ना, रैदर देन मैं वापस भेजूँ, मैं कहती मैं अगली स्टेज में डाल दूंगा। ठीक है ना। सो दिस इज प्रो राटा अलॉटमेंट, में नेक्स्ट स्टेज में पैसे चले जाते हैं। अब 1,000 शेयर्स पे नवलीन के अलॉटमेंट के कितने बनते हैं? 50,000 डाल दो। 1,10,000 फालतू पड़े थे, 50,000 डाल के 60,000 रुपीज नवलीन के रिजेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? रिजेक्ट। सो दिस इज प्रो राटा अलॉटमेंट। सेकेंड कैटेगरी, ओजस हैज अप्लाइड इन माई कंपनी फॉर 2,000 शेयर्स। 10 रुपीज के हिसाब से ओजस ने मुझे 20,000 रुपीज दिए। मैंने कहा, ओजस तुम्हें कोई शेयर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, यू हैव अप्लाइड लेट सो यू विल बी रिजेक्टेड। तो ओजस के तो सारे ही पैसे बैंक में आ जाएंगे रिफंड, शेयर्स नहीं रिफंड होने। 2,000 शेयर्स पे 10 के हिसाब से 20,000 रिफंड होने। ठीक है। थर्ड, 9,000 शेयर्स पे रक्षिता ने अप्लाई किया, उसको 9,000 फुल मिल गए। रक्षिता ने कितना पे किया? 9,000 × 10 90,000। बट रक्षिता के बनते भी कितने हैं? 90,000। तो रक्षिता ने तो मुझे कुछ एडवांस ही नहीं पे किया। शी हैज़ नॉट पेड मी एनी एडवांस। नाउ व्हाट डू आई नीड फ्रॉम दिस चार्ट? कॉलम्स आफ्टर एक्सेस। एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट 50,000, एक्सेस रिफंडेड 80,000। व्हाट डू आई नीड फ्रॉम दिस प्रोराटा चार्ट? कॉलम्स आफ्टर एक्सेस, एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, बैंक ऑब्लिक रिफंड। लेट्स बिगिन। बैंक अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट एंट्री। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 23,000 शेयर्स। 23,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी थी 10। हाउ मच दे हैव पेड? 2,30,000। हाउ मच दे हैव पेड? 2,30,000। चलो, सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। बैंक में कितना गया? 80,000। एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट कितना है? 50,000। आई टोल्ड यू ओवर सब्सक्रिप्शन सेकेंड नंबर एंट्री में डील होता है। कैपिटल में कितना गया? 10,000 शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स मेरी लिमिट थी ना, 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 कैपिटल में गया। देखो, ऑटोमेटिकली 2,30,000 कंप्लीट हुआ, ऑटोमेटिकली 2,30,000 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो आगे। माई नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड वी हैव SPR ऑल्सो। टू SPR, हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 शेयर्स। वॉट इज अलॉटमेंट मनी? 50, 5,00,000। 10,000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना है? 10, 1,04,000। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितनी मिलनी थी? 5,00,000। ऑलरेडी कितने मिल चुकी है? 50। अब कितने मिलेगी? 4,50,000। हाउ मच? 4,50,000। चलो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 60, और SPR भी है।
that would be 6 lakh, 5 lakh, 1 lakh. SPR है, जहां जहां कैपिटल वही वही SPR. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड. व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि मैं ओवर सब्सक्रिप्शन तक कंप्लीट करके फिर मैं आपका टेस्ट लूँ. द मोमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन इज कंप्लीट, आई गेस थर्सडे या फ्राइडे को आपका टेस्ट हो जाएगा. ठीक है, बैंक डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. हाउ मच? 6 लाख. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो कुछ आया नहीं हुआ था, 6 लाख मिलना था, रिसीव कर लो. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट की पॉइंट, ओवर सब्सक्रिप्शन इज ट्रीटेड इन एंट्री नंबर 2. सेकेंड की पॉइंट, उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, अगर अलॉटमेंट के बाद कुछ भी बच जाता है वो रिफंड कर दो. ठीक है, और जिनको कंप्लीट रिजेक्शन है उनको तो वैसे ही रिफंड कर देना. और नेक्स्ट की पॉइंट, जब मैं यहाँ अलॉटमेंट रिसीव करूँगी, जब मैं यहाँ अलॉटमेंट रिसीव करूँगी, 5 लाख मिलना था, उसमें से 50 ऑलरेडी मिला हुआ, अब कितना रिसीव करूँगी? 4 लाख 50. कॉमन सेंस है, अगर आप मुझे एडवांस में फीस दे चुके हो तो मैं आपसे नेक्स्ट मंथ में कम मंगवाऊँगी या नहीं मंगवाऊँगी, है ना? चलो, सो द सम इज ओवर. सो द सम इज ओवर, ये आपको क्वेश्चन में ऐसे भी मिलेगा. प्रिपेयर बैलेंस शीट सेंड में करेंगे, बीच में नहीं करेंगे. टेक आउट इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी. वैसे इतना फालतू आया कि वो अलॉटमेंट में भी चला गया और उन्होंने कह दिया फर्स्ट कॉल में भी डाल दो. जैसे इसमें तो कह दिया ना कि रिफंड कर दो, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें कह रहे हैं पैसा फर्स्ट कॉल में डाल दो. सो लेट्स बिगिन. इलस्ट्रेशन जो प्राइम सम होता था ना, मैंने सम ही निकाल दिए. बड़ा ना अजीब है यूटीएस करेगा वाला. एक्सेस एडजस्टेड टू फर्स्ट कॉल. ओके, आई सेंड यू क्वेश्चन. चलो एक है इलस्ट्रेशन 13 का डाला है. बट इसमें कॉल में शायद पैसा ही नहीं गया. सी कॉल डाला है. चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन 13 थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया. इलस्ट्रेशन 13, लेट्स बिगिन. Page 8.30, illustration 13, Krista Hospital. इसमें ना मैंने सारी ऑप्शन दी है. फर्स्ट ऑप्शन में लेट्स सी ऑन एप्लीकेशन 10, ऑन अलॉटमेंट 15, ऑन फर्स्ट कॉल 15, ऑन फाइनल कॉल 10, 50 रुपीज़. ठीक है जी, 50 रुपीज़ का शुल्क है. ओवर सब्सक्रिप्शन दिख रहा है बिकॉज एप्लीकेशन हमने ऑफर किया 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन मिली 4 लाख शेयर. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. पास जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मीन्स दीज आर सेपरेट क्वेश्चन. ठीक
ठीक है, ए पार्टी सेपरेट, बी पार्टी सेपरेट, सी पार्टी सेपरेट। पहले मैं ए पार्ट करने जा रही हूँ। अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेंट्स फॉर रिमेनिंग शेयर्स वर रिजेक्टेड। मैं शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड बनाऊँ। जब प्रोराटा ना ना हो फिर तो सिंपल कर लिया करो, पूरा चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। इसमें प्रोराटा था ही नहीं फर्स्ट केस में। कहते हैं 1 लाख वालों को तो 1 लाख मिल गए। अच्छा टोटल शेयर्स कितने थे देखें, शेयर्स अप्लाइड 4 लाख, शेयर्स अलॉटेड कितने 1 लाख, बाकी 3 लाख वालों को रिजेक्शन। 1 लाख वालों को 1 लाख मिल गए, 3 लाख वालों को रिजेक्शन हो गई। तो इसमें बड़ा चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एंट्रीज कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 4 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज़, 40 लाख है। मैंने क्या कहा, ओवर सब्सक्रिप्शन विल बी ट्रीटेड इन एंट्री नंबर टू। शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 40 लाख टू शेयर कैपिटल, ओवर सब्सक्रिप्शन इन एंट्री नंबर टू टू बैंक। और कहा है क्या, फालतू पैसे रिजेक्ट हो जाने, जो रखने हैं वो रखने। इट मीन्स कितने शेयर्स के फालतू पैसे हैं, 3 लाख के रिजेक्ट हुए। 3 लाख शेयर्स पे आए कितनी थी एप्लीकेशन मनी, 10। 30 लाख रिजेक्ट हो गया, 10 लाख रख लिया। बाकी एंट्री सेम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड ड्यू सारी करेंगे टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर, भूल जाओ 4 लाख शेयर्स को, 1 लाख शेयर्स इंटू 15 लाख सब ने पे किया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 15 लाख, ऐसे ही शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, 1 लाख इंटू 15 अगेन 15 लाख। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ओके, कमिंग ओवर टू द बी पार्ट। बी पार्ट देखें क्या हो, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। इसमें है अपन का शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। उन्होंने क्या, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, इसके बाद भी अगर फालतू पैसे वो रिफंड कर दो। क्या कर दो, रिफंड पढ़ो। कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड, एडजस्ट द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, रिफंड द बैलेंस अमाउंट। ओके देखते हैं, शेयर्स अप्लाइड 4 लाख, शेयर्स अलॉटेड 1 लाख। चलो प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, 4 लाख बंदों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 25% अलॉटमेंट दे दिया। इसका मतलब कैन आई पुट इट लाइक दिस, 4 लाख वालों को 1 लाख मिल गया। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाई, 4 लाख अप्लाई किया, 25% मिला, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 4 लाख शेयर्स पे 10 40 लाख, और बनती कितनी थी 1 लाख शेयर्स पे 10 10 लाख, कितने फालतू पैसे 30 लाख। अलॉटमेंट कितनी बनती थी 1 लाख शेयर्स पे 15 लाख एडजस्ट करके बाकी क्या कर देंगे, रिफंड। उन्होंने कहा है, उन्होंने नहीं कहा फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट करो, वो कहते हैं बाकी रिफंड कर दो। अब हम अपनी एंट्री पूरी करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स, 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन मनी 10, 40 लाख, 40 लाख है ना। 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, पर मैंने कितने देने, 1 लाख। सो शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 40 लाख टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ऊपर से वैल्यूज उठाओ, जो निकालो
बैंक में क्या जाएगा रिफंड, एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट में कितना आएगा 15 लाख, तो दैट वुड बी 15 लाख ओवर है, 15 लाख ओवर है। मैंने कितने शेयर्स ऑफर किए, 1 लाख, 1 लाख इंटू 10 मल्टीप्लाई ये 10 लाख एप्लीकेशन मनी से होगा, दैट वुड बी शेयर एप्लीकेशन 40 लाख, टू शेयर कैपिटल 10 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 15 लाख। क्या कह रहे हैं, लाइन जरा ध्यान से पढ़ो। कहते हैं रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स, मेक प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कहते जो भी फालतू पैसा आएगा उसको अलॉटमेंट और कॉल में डालेंगे। करें स्टार्ट, फिर से चार्ट बनाएंगे, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, एक्सेस एडजस्टेड टू कॉल, बैंक ऑब्लिक रिफंड। Shares applied. Application you received for 4 lakh shares. हमने कितने shares offer किए, 1 lakh. ठीक है. Reject application for 2 lakh shares. 2 lakh shares को तो कहते reject ही कर दो. Okay, 2 lakh पे 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे है, 20 lakhs. बट इनको देने ही नहीं चाहिए, सारे रिफंड में डाल दो। ठीक है विधि, नेक्स्ट, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स, जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 80,000 ही दे दो फुल एप्लीकेशंस। जिसने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसने 8 लाख दिए, उसका बनता भी 8 लाख था, बिकॉज फुल अलॉटमेंट है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एडवांस, where there is full allotment no question of advance arises। ठीक है चलो, कहते हैं and to make pro rata allotment to the applicants of 20,000 shares to remaining applicants, पहले remaining कितनी बची, 1,20,000 वालों को कितने मिल दे दो, कहते 20 लाख, 4 लाख में से ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस हो गया, रिमेनिंग आ गई। इधर 1 लाख में से ये भी माइनस कर दो, रिमेनिंग आ गई। इट मीन्स 1,20,000 वालों को 20 मिले, 1,20,000 इंटू 10 कितने पैसे है, 12 लाख।
20,000 इंटू 10 कितने बनते हैं, 2 लाख। आई रिपीट, 1,20,000 पे एप्लीकेशन मनी 10, 12 लाख, पर बनते कितनी है, 20,000 इंटू 10, 2 लाख। कितना फालतू पैसा आया, 10 लाख। कितना फालतू पैसा आया, 10 लाख। अलॉटमेंट ड्यू, 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट है 15, 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट है 15। नाउ लिसन टू माई क्वेश्चन वेरी केयरफुली, डू आई हैव दिस मच एडवांस दैट आई कैन एडजस्ट होल ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितनी है, 20,000 शेयर्स पे 15 रुपीज। फिर भी कितने रह गए, 7 लाख। अब 20,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल चेक करो कितनी है, 15, 3 लाख अगेन। डू आई हैव दिस मच एडवांस दैट आई कैन एडजस्ट होल ऑफ फर्स्ट कॉल, यस आई कैन। 10 लाख एडवांस था, फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट कर दी। अच्छा, इसमें सेकंड कॉल भी थी, तो एक कॉलम बनाओ एक्सेस टू सेकंड कॉल, क्योंकि जो भी फालतू पैसे वो सारे कॉल्स में जाना। मेरे पास कितना अभी भी बच गया, 4 लाख। 20,000 शेयर्स पे सेकंड कॉल कितनी है, 10 रुपीज, 2 लाख, ये भी एडजस्ट हो गया, 2 लाख बैंक में जाए। आई रिपीट द थर्ड कैटेगरी अगेन। थर्ड कैटेगरी में क्या हुआ, जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिले, उनको कितने मिले, ओनली 20,000, ओनली 20,000। ओके, 1,20,000 आया कैसे, 4 लाख में से ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस करो बैलेंस, और इधर 1 लाख में से ये माइनस कर दो बैलेंस, मीन्स 1,20,000 वालों को 20,000 शेयर्स मिले। अब जिसने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसने कितने पैसे दिए, 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख। पर मैंने कहा एप्लीकेशन बनती कितनी है, 2 लाख शेयर्स की 10, हाउ मच, 2 लाख शेयर्स की नहीं, 20,000 शेयर्स की, 20,000 शेयर्स की 10, 2 लाख। कितना एडवांस है, 10 लाख। अलॉटमेंट कितनी बनती है, 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट इज 15, हाउ मच इज एडवांस, 3 लाख। Still left with an advance of 7 lakh. First call कितनी बनती है, First call बनती 20,000 shares पे 15 rupees. 3 lakh ये भी adjust हो गया. Still left with an advance of 4 lakh. Second call कितनी है, 20,000 shares पे, दो बार सुनना ये lecture, 2 lakh. Still left with an advance of 2 lakh. वो क्या हो जाएगा, refund. नोट डाउन वेरी केयरफुली, आई रिपीट, 1,20,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 12 लाख आए, पर बनते कितने थे, बनते कितने थे, 10,000 शेयर्स पे 20,000 पे 10, 2 लाख, स्टिल लेफ्ट विद एन एडवांस ऑफ 10 लाख, जो कहाँ जाएगा, कहते हैं सारी सब्सिक्वेंट कॉल्स में डाल दो। अलॉटमेंट कितनी बनती थी, 20,000 शेयर्स पे, क्योंकि 20,000 शेयर्स ऑफर्ड है ना उनको, 15, 3 लाख, स्टिल लेफ्ट विद एन एडवांस ऑफ 7 लाख। फर्स्ट कॉल कितनी बनती थी, 20,000 इंटू 15, 3 लाख, स्टिल लेफ्ट विद एन एडवांस ऑफ 4 लाख। सेकेंड कॉल कितनी बनती थी, 20,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख, स्टिल लेफ्ट विद एन एडवांस ऑफ 2 लाख, वो क्या कर देंगे, रिफंड, क्या कर देंगे, रिफंड। नाउ हाउ टू इनकॉर्पोरेट इट इन द एंट्रीज, लेट्स बिगिन। मैंने क्या कहा था, मुझे स्टार्ट में से क्या चाहिए, एक्सेस के बाद वाले कॉलम, इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, इसको टोटल करो। सो दिस इज 3 लाख, दिस इज 3 लाख, दिस इज 2 लाख, दिस इज 22 लाख, लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स के एप्लीकेशन आए, 4 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज़ के हिसाब से 40 लाख आया,
मैंने क्या कहा था, ओवर सब्सक्रिप्शन विल बी ट्रीटेड इन एंट्री नंबर टू, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 40 लाख, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 40 लाख टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल में भी पैसा गया, टू शेयर सेकेंड कॉल में भी पैसा गया, टू बैंक, एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड इन एंट्री नंबर टू, एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड इन एंट्री नंबर टू, ठीक है। चलो जी, वैल्यूज डालें, बैंक में जाएगा रिफंड, कितना रिफंड, कितना रिफंड, अपने चार्ट में से निकालो, यू हैव मेड द चार्ट ओनली फॉर दिस एंट्री। बैंक में जाएगा 22 लाख, फर्स्ट कॉल में 2 लाख, सॉरी सेकंड कॉल में 2 लाख, फर्स्ट कॉल में 3 लाख, अलॉटमेंट में 3 लाख 3 लाख 2 लाख 22 लाख, और कैपिटल में कितना जाएगा, मैंने कितने शेयर्स ऑफर किया, 1 लाख शेयर्स बेचे। जब आप इतना कर लेते हैं, आप जस्ट टोटल को टैली करो, 10 प्लस 3 13 14 15 16 17 18 18 प्लस 22 इज 40, ठीक है जी। एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, हाउ मच, अब भूल जाओ पुराने शेयर्स को, 1 लाख शेयर्स पे सब कुछ चल रहा, 15 लाख, 15 लाख में से अलॉटमेंट ऑलरेडी कितनी मिली हुई, 3 लाख, अब कितनी मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख, ऑलरेडी रिसीव वाली माइनस कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू सारी सारी करते हैं, टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर्स पे 15 के हिसाब से 15 लाख, जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, 15 लाख में से ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 15 लाख में से फर्स्ट कॉल ऑलरेडी 3 लाख मिल चुकी है, अब कितनी मिलेगी, 12 लाख, शेयर सेकंड कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितनी है सेकंड कॉल, 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज, 10 लाख, सेकंड कॉल ऑलरेडी कितनी मिल चुकी है, 10 लाख में से सेकेंड कॉल 2 लाख मिल चुकी है, सेकेंड कॉल कितनी मिल चुकी है, 2 लाख, तो अब कितनी मिलेगी, 8 लाख। दे हैव यूज द वर्ड कॉल्स इन एडवांस, अभी आप पूछो, मैं अपने बाद में स्मार्टली इनकॉर्पोरेट करा दूंगी, अभी आप ऐसे करो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग राइट द वर्ड्स फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, दिस वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। When excess is adjusted towards first call, तो illustration 13 में तीनों different type के cases cover होंगे। Now a big note, if question is silent, excess money will be adjusted in, will not be adjusted in first call. जब तक फर्स्ट कॉल के बारे में कहा ना हो तब तक आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, रैदर एनी एक्सेस इफ देयर, अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद एनी एक्सेस इफ देयर आफ्टर एडजस्टिंग अलॉटमेंट, आफ्टर एडजस्टिंग अलॉटमेंट विल बी रिफंडेड, उसको वापस कर देंगे, विल बी रिफंडेड, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now what you will do, illustration 15 जो मैं सम्स बुक में से दे रही हूँ और एक सम मैं भेजूंगी, इसने वो जो एक सम मैंने भेजा वो कर लिया ना,
इसका मतलब उसको ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 12, बैक सम्स में करो क्वेश्चन नंबर 14 बैक, 14, 15, 16, 17 अभी 17 18 19 20 अभी नहीं करो। सो दीज टू इलास्ट्रेशंस एंड बैक सम्स 14 से 18। सो दिस विल कवर योर ओवर सब्सक्रिप्शन, पर जो सम्स मैंने किए हैं उसको दो या तीन बार करोगे ताकि उतना टॉपिक पक्का हो। ठीक है, ठीक है। सो दिस वॉज इनफ फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।